तेरी जान दे सकता, तू दे सकता, तू आ। आज इंतजार और तू दोनों खत्म होंगे। कैसे हुआ सपना को अरुण से प्यार? क्या अरुण तोड़ देगा सपना का दिल? क्या विक्रम की एंट्री लाएगी कहानी में नया ट्विस्ट? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके होस्ट पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। इस कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के एक कॉलेज से, जहां अरुण नाम का एक लड़का पढ़ता था। अरुण एक चंचल स्वभाव का लड़का था, जिसे लाइफ में एडवेंचर्स करने में बड़ा मजा आता था। एक दिन उसके कॉलेज में जूनियर्स की फ्रेशर पार्टी थी, जहां वो सपना को देखता है और उसे देखते ही उसका प्यार जग पड़ता है। वो उसके प्यार में पागल हो जाता है। सपना एक बहुत सीधी साधी लड़की थी, जिसने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया था और वो अपने मामा ठाकुर यानी कि परेश रावल के साथ रहती थी। उसके मामा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन क्योंकि सपना के नाम पर उसकी सारी संपत्ति थी, इसीलिए वो उसे हड़पना चाहते थे, इसीलिए सपना से बहुत ही प्यार से पेश आते थे। अरुण कॉलेज में सपना के आगे पीछे घूमने लगा, दूसरे के साथ उसका नेचर बदल चुका था, लेकिन सपना उसे एक इश्क बात समझती थी, इसीलिए उसे अवॉइड करती थी। अब वो सपना के आगे पीछे तो घूमता था। एक दिन जब सपना आ रही थी कॉलेज में, तो कुछ सीनियर लड़कों ने उससे रैगिंग करने की कोशिश की। उसी बीच अरुण वहां पर आ गया और उसने उसे बचा लिया। फिर सपना उससे कहती है, मुझे हमेशा से लगता था कि तुम एक बहुत ही मीन इंसान हो, तुम भी इन्हीं लोगों में शामिल होगे, लेकिन तुम इनसे अलग हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? अरुण तो जैसे सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। और फिर उन दोनों की दोस्ती हो गई, जो कि धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। ज्योति अरुण की बेस्ट फ्रेंड है और वो सपना से नफरत करती है, क्योंकि सपना के आने के बाद अरुण सारा टाइम उसी के साथ स्पेंड करता था, इसलिए वो इस दोनों से जेलस हो जाती थी और अरुण से बात नहीं करती थी। कुछ दिनों बाद ज्योति की हत्या कर दी जाती है और सारा दोष अरुण के मत्थे मर दिया जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा कॉलेज जानता था कि ज्योति अरुण से प्यार करती थी। और फिर कॉलेज को ऐसा लगता है कि अरुण ने सपना के चलते ज्योति की हत्या कर दी, ताकि वो इन दोनों के बीच में ना आए। अब सपना भी धीरे धीरे ऐसा ही सोचने लगी और अरुण से नफरत करने लगी, जिसकी वजह से अरुण यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अपना दिमागी संतुलन खो दिया। अरुण एक अच्छे घर से बिलोंग करता था, उसकी माँ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने जाती है और इस केस को हैंडल कर रहे होते हैं इंस्पेक्टर विक्रम। वो उनसे कहती है, मेरे बेटे के साथ इन लोगों ने बहुत गलत किया है, उस लड़की के असली कातिल को ढूंढ कर मेरे बेटे को इस बोझ से मुक्त कर दीजिए प्लीज, एक माँ आपसे भीख मांगती है। जिसके बाद इंस्पेक्टर विक्रम उनसे वादा करते हैं कि वो अरुण को न्याय जरूर दिलवाकर रहेंगे। जिसके बाद विक्रम इस केस को स्टडी करने लगते हैं और उनको पता चलता है कि ज्योति की हत्या सपना के मामा ठाकुर ने करवाई है, क्योंकि उसे पता लग गया था कि अरुण और सपना एक दूसरे से प्यार करते हैं, और अगर सपना ने अरुण से शादी कर ली तो उसकी सारी जायदाद उसकी हो जाएगी और मामा ठाकुर को कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए उसने ज्योति को मरवा के अरुण को फंसवा दिया। लेकिन विक्रम के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है। अब विक्रम अरुण को भी अपने पास ही रखता है, क्योंकि उसे पता है कि अरुण बाहर सेफ नहीं है और वो मामा ठाकुर की सारी इल्लीगल गतिविधियों पर नजर रखता है, उनका कांटा बनता है रास्ते का। विक्रम एक लड़की से प्यार करता था और दोनों की सगाई भी होने वाली थी। एक दिन वो लड़की विक्रम से मिलने उसके घर आती है और वहां पर अरुण को देखकर शॉक रह जाती है। विक्रम उससे पूछता है कि आखिर उसे क्या हो गया, पर वो कोई जवाब नहीं देती और वहां से वापस चली जाती है। तो दोस्तों, आखिर कौन थी वो लड़की और वो अरुण को कैसे जानती है? इन सभी सवालों के जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे। तब तक आप भी हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कौन थी वो लड़की कॉमेंट सेक्शन में। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बॉलीग्राड स्टूडियोज को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की स्क्रिप्ट लिखी है नेहा मिश्रा ने।